और एक और सुबह हमें बैड न्यूज मिली थी यार, आज तो बैड न्यूज का डे है। मैंने कहा चलो केक बना देती हूँ, उसे आजकल केक बहुत पसंद है, चॉकलेट केक। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जी चेक करें क्या मौसम हुआ है बाहर, वाह जी वाह, उफ अंधेरा हुआ है बिल्कुल। इस टाइम काले स्याह बादल आए हुए और बारिश हो रही है, और सुबह से ही जो है वो तूफ़ानी हवाएं चल रही थी, इतनी ज़्यादा तूफ़ानी कि बस शू 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 हर जगह से जो है ना शोर ही शोर आ रहा था। और अभी थोड़े से जो है वो हवा ज़रा रुकी है और सही काले स्याह किस्म के बादल आए हुए हैं, शाम हो गई है, बिल्कुल अंधेरा हो गया हुआ है। यहाँ से दिखाते हूँ आपको कि ये चेक करें कि कितने ज़्यादा जो है वो बादल आए हुए हैं। और ये क्या है? हाय अल्लाह, मेरा गमला टूट गया। ओ तेरे यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। शेट, मेरा तो गमला टूट गया है, इतनी हवा चल रही थी। हाय हाय, मेरा इतना प्यारा पौधा यार, इसको जाके मैं ठीक करती हूँ। मैं तो आपको ये दिखाने लगी थी कि ये चेक करें कितना अंधेरा काला काले स्याह किस्म के बादल आए हुए हैं, बिल्कुल। हाय, मेरा तो गमला टूट गया। अरे मेरा गमला टूट गया यार, अरे मेरा गमला टूट गया। कौन सा गमला? ये तो जो पड़ा होता था हवाओं से। क्या बोले क्या बोले? मुबारक हो। हाँ यार, गमला टूट गया, शिट यार। वो फिर बेचारा सा वो पीछे एक पड़ा हुआ है, उसमें डाल लूंगी। अच्छी हवाएं चल रही हैं, मैं खुश हो रही थी, बड़ा अच्छा प्यारा मौसम हो रहा है, बढ़िया हवाएं चल रही हैं। इधर तो मेरा नुकसान हो गया, इधर तो नहीं हुआ था, यहाँ तो मैं देख रही थी, इधर तो सब कुछ ठीक ही था। इस वाली साइड पे सारे मेरे प्लांट्स वगैरह सब कुछ ठीक थे, मैं चेक कर रही थी साथ साथ, लेकिन वहाँ का तो मुझे पता ही नहीं था। चलो अब बारिश होगी तो पता चले मिट्टी ही ना हर जगह फैल जाए, लेकिन नहीं वो सही, वो पक्का हुआ है ये वाला गमला जो है ना। चलो भाई, नुकसान हो गया सुबह सुबह। तो आज जो है ना, मैंने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजा था इस वजह से, क्योंकि आज जो है वो ठंड थी और मेरा अपना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी जो है वो थोड़ी सी तबीयत हुई भी थी ख़राब और बच्चों की भी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चलो यार, आज बारिश भी है तो रहने देती हूँ, आज इनको जो है ना स्कूल से छुट्टी करा लेती हूँ। तो मैंने जैवी को नहीं बताया लेकिन, क्योंकि मैंने तुम्हें छुट्टी करवाई उसको तो मैंने कहा कि स्कूल से छुट्टी है। तो अभी जो है बस अभी अभी हम उठे थे, नाश्ता भी नहीं किया। और एक और सुबह हमें बैड न्यूज़ मिली थी यार, आज तो बैड न्यूज़ का डे है। क्या बोला? जो आपका तोता था तोता आपका बेचारा, हम उसको ना कल से खिला रहे थे, पिला रहे थे, खुद ना पता नहीं उसे क्या हुआ, बैठे बिठाए जो है वो एक बिल्कुल सुस्त हो गया। हम उसको देख रहे थे कि यार ये सुस्त हुआ है, फिर मैंने उसको हाथ लगाया, उसने खाना पीना भी नहीं खाया हुआ था, फिर मैंने उसको खुद खाना भी खिलाया। तो कल से मैं उसको खुद खाना खिला रही थी, लेकिन अब ज़ाहिर है रात थी, फिर हमने रात को उसको डब्बे में रख के, बड़ा था वो, बच्चा नहीं था, बड़ा वाला था, तो उसको हमने रात को डब्बे के अंदर रख दिया। अब ज़ाहिर है क्या करते, फिर खाना शाना भी खाया हुआ था उसने, लेकिन वो सुबह देखा तो सुबह बेचारा जो है वो उसकी डेथ हुई हुई थी। बड़ा अफसोस हुआ बेचारा जो है ना। सुबह सुबह एक हमें ये बैड न्यूज़ मिली है और एक ये बैड न्यूज़ मिल गई है मुझे यार, ठीक है मौत। अब इसको, अभी बारिश होने वाली है सही किस्म की, तेज़ वाली लग रहा है मुझे, पर वो भी चाहिए, कल की जो है वो हल्की 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 लगी हुई है, सही तेज़ वाली बारिश हो ना फिर मज़ा आता है। आपको कैसी बारिश पसंद है? हल्की हल्की पसंद है आपको? यही मुझे सभी को नहीं पसंद आ रही, खेल के मैं कहती हूँ तेज़ बारिश हो बस और फिर ख़त्म हो जाए। तो चले भैया, हम नाश्ता वगैरह बनाते हैं, नाश्ता करते हैं। अभी मैं जैवी को करवा रही हूँ नाश्ता, है जैवी। मैंने अपना नाश्ता तो कर लिया है, अब हम जैवी को नाश्ता करवा रहे हैं। और जैवी का फेवरेट ये अंडा है जी, बहुत फेवरेट है आपका।
फेवरेट अंडा है ये, और ख़ास करके जिसकी जर्दी निकल रही होती है ना, मतलब कि हाफ फ्राई सभी का फेवरेट है। अभी मुझे कहता है ओहो ये आपने ख़राब किया अभी। और ये हमारा पार्क है, ये देखो जी हमारा पार्क और हम यहाँ पे बिल्कुल साइड पे होके बैठे हुए हैं ताकि हमारा पार्क ना ख़राब हो। जेला बिस्मिल्लाह। अभी मुझे अपनी ड्राइंग्स तो दिखा दें, अपनी ड्राइंग्स तो दिखाएं, वो कितनी प्यारी पड़ी हुई है जो आपने बनाई है, हैं? नहीं दिखाना क्यों यार, दिखाना ही नहीं यार, ये क्या बात हुई, वो दिखाओ ना, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी ड्राइंग है, इतनी प्यारी माशाल्लाह ड्राइंग्स बना रहा है आजकल, बहुत प्यारी ड्राइंग्स बना रहा है जी। और जैवी का कॉम्बो चेक किया आपने के साथ, एग फ्राई के साथ शक्कर भी, पराठा अंडा शक्कर, ये हमारा तीन जो है वो चीज़ों का नाश्ता होता है। हाँ अच्छा, अब ये भी शामिल हो गया बीच में है, हाफ फ्राई होना चाहिए। जैवी ने तो छोड़ दिया पराठा, उससे कोई नहीं खाया है। तो यहाँ पे मैं अरशमान के लिए बना रही हूँ पैनकेक्स, कल भी इससे खाए थे और ये बैटर बचा हुआ था, तो मैं अभी भी फिर इसको बना के दे रही हूँ। ये देखिए जी बहुत ही फिट किस्म का पैनकेक। रेसिपी आपको जो है वो मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी और मैंने शॉर्ट्स में भी डाल दी हुई है, तो ये बहुत ही मज़ेदार पैनकेक्स बन रहे हैं। ये देखिए कितने मज़े के फूलते भी हैं ये। यहाँ से ये देखिए, चलो ये हो गया है, बन गया है बैक साइड से ऐसे, यमी यमी। देखो भाई दूसरा भी बन गया, और मैं इस तरह से इसको पीस बना देती हूँ और उसके ऊपर जो है वो चॉकलेट सिरप डाल देती हूँ, तो ये बहुत ही मज़े का बन जाता है। अंदर से देखिए आप कितने सॉफ्ट है ये देखिए। तो चले भाई यहाँ से मैंने इनको उठा के वहाँ पे बिठा दिया बेडशीट साफ करने लगी, मैं ज़रा उठ जाए, मैं ज़रा काम कर लूँ अपना, पहले मैं बेडशीट सीधा कर लूँ, उसके बाद आप लेट जाना। तो अब जो है ना हम ज़रा डस्टिंग वगैरह करते हैं, बेड ठीक करते हैं। चले भाई हो गया है रूम साफ, डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर दी है, तो अब जो है ना जैवी कह रहा था केक बनाए मेरे लिए, तो ना मैंने कहा चलो केक बना देती हूँ, उसे आजकल केक बहुत पसंद है चॉकलेट केक, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ आज, तो चले जी केक बनाते हैं अब चल के। तो चले जी मैं बनाती हूँ अब केक, और केक में मैंने ऐड कर दिए है ये 2 eggs, और ये मैंने रूम टेम्परेचर पे लिए हैं, हमने जो भी चीज़ यूज़ करनी है ना वो ठंडी नहीं करनी, ये आप याद रखिएगा, और हमने जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे चीज़ें यूज़ करनी है। तो मैंने 2 eggs थे उसको मैंने थोड़ा सा किया बीट, उसके बाद मैंने ये 1/2 cup दूध का ऐड कर दिया, 1/2 cup ऑयल का, और ये 1 tablespoon वनीला एसेंस, ये सब लिक्विड चीज़ें हम ऐड करके इसको कर देंगे थोड़ा सा बीट, बहुत ज़्यादा भी बीट नहीं करना और बहुत कम भी बीट नहीं करना। उसके बाद हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स का जो है वो एक मिक्सचर सा तैयार कर लेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले 1 cup शुगर ऐड करेंगे, 1 cup मैदा ऐड करेंगे, और इधर मैंने 3 to 4 tablespoons कोको पाउडर ले लिया था, और 1 teaspoon बेकिंग पाउडर। तो इसको जो है हम ज़रूर छानेंगे, क्योंकि ये देखें इसके अंदर जो है वो लम्ब्स वगैरह है और शुगर के भी कुछ पार्टिकल्स वगैरह भी होते, तो अगर छान ले तो ज़्यादा अच्छी बात होती है, सही रहता है। तो इस वजह से मैं इसको छान रही हूँ, और इसको जो है हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है वो अच्छे से कर देंगे मिक्स, और फिर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे अपने ये लिक्विड वाले मिक्सचर के अंदर, और फिर इसको साथ साथ बीट करते जाएंगे, और पहले हम इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो है हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स उड़े नहीं। तो जैसे हम इसको मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम बीटर को करेंगे ऑन, और फिर साथ साथ ही हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे अपना ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स का बैटर, और उसके बाद हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स।
ओके जी, तो सारा हो गया है मिक्सचर हमारा रेडी। और अब हम ये एक शीशे की ट्रे लेंगे, क्योंकि हम इसको माइक्रोवेव ओवन में बना रहे हैं। तो ये मेरे पास ओवल थी, तो मैंने फिर ये ओवल वाली ले ली। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था और अच्छे से इसको जो है वो मैंने स्प्रेड कर दिया था सारे बाउल पे। और फिर मैंने ये ऐड कर दिया इसके अंदर सारा मिक्सचर, और फिर इसको थोड़ा सा टैप टैप करेंगे ताकि जो है ना ये इसका बीच में से बबल्स वगैरह सारे ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे जो है वो मैं ऊपर से चॉकलेट चिप्स भी मेरे पास पड़े हुए थे, मैं कहा चलो ये भी डाल देती हूँ। और आ रहा था ऊपर से जैवी भी, उसने भी बीच में हेल्प की मेरी, थोड़ी सी चॉकलेट चिप लगाए और बड़ा एक्साइटेड था कि केक बन रहा है। तो बस इसको केक को मैंने रखा और मैंने 10 मिनट्स के लिए ओवन में रखा, और बहुत ही ये मज़े से जो है वो बन गया था। यहाँ पे मैं बीच में इसको 1-2 मिनट रहते थे, तो फिर मैंने चेक किया तो थोड़ी सी कसर मुझे लग रही थी दरमियान से, फिर मैंने उसको 2 मिनट और दे दिए। और बस 10 मिनट्स में हमारा ये केक हो गया रेडी। और बस ये एक चॉकलेट मेरे पास पड़ी हुई थी, इसको मैंने मेल्ट करके केक के ऊपर लगा दिया। और ये देखिए जी, इतना सॉफ्ट इतना यमी ये केक बना था। इसको मैंने बीच में से कट करके बीच में भी एक चॉकलेट लेयर भी लगाई थी, तो ये बड़ा ही मज़े का बन गया था माइक्रोवेव ओवन में। और आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे भी बताना कि कैसे बना था। बहुत ही सॉफ्ट बना था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बना था। बहुत टाइम बाद मैंने बनाया था, अभी तो खैर काफ़ी दिन से बना रही थी, थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, लेकिन मैंने बड़े अरसे बाद दोबारा से बनाना शुरू किया है केक। तो बहुत ही अच्छा बना था और मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था केक बनाने में। चले भाई, तो केक बन गया था और बड़ा ही मज़े का बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, जल्दी से बन जाने वाला केक है ये, और बच्चों को जो है ना वो बड़ा ही पसंद आ रहा है आजकल। जैवी कुत्ता पसंद है, वो हर टाइम वही खाता रहता। तो आज तो मैंने इनको जो है वो बना के दिए थे कॉर्न्स भी। कैसे लगे आपको कॉर्न्स? हेलो, अच्छा तो सुनता ही नहीं है। क्या मतलब है ये? बात करी हो जान के करते हो, जान के करते हो। अच्छा बताओ, कॉर्न कैसे बने थे? अच्छे बने, स्वीट कॉर्न बना के दिए थे हैं। मैंने आज ट्राई किए थे, फिर मैं किसी दिन आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि वो कैसे बनाए थे मैंने। ठीक है, तो बड़े मजे के बने थे। हंस क्यों रहे हो तुम? हंस क्यों रहे हो पीछे से? नहीं, मैं वो मैसेज जो है नहीं, कुछ तो बात है दया, कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे पे, नहीं आता। अच्छा, तो बस जी, उधर तो बड़ा सुकून आया है, बच्चे जरा सुकून से बैठे हुए हैं। मैंने कहा इधर सुकून क्यों है, बिल्कुल कहा जाओ देख के आओ, दोनों अपने फोन पर लगे हुए। मैं कहा चलो बैठे रहे सुकून से। और अब तो एक नया आ गया ये मैच, हर टाइम अब मैच लगा रहेगा, हर टाइम। अब बंदा ना कुछ भी नहीं देख सकता, बस हर टाइम PSL यही होता रहेगा घर में, या खबरें वैसे ही वो इलेक्शंस की जो आजकल चल रही है वो होता रहेगा। और अब ये एक नया स्टार्ट हो गया है। और दूसरी तरफ कार्टून लगे रहते हैं। मैं तो किसी खाते हुए ही नहीं आती है, उधर कार्टून लगे हैं, इधर मैच लगा है। मैं कहाँ जाऊँ? हर टाइम अब मैच लगा रहता है आपका। तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने कहाँ जाना, यही तो मैं पूछ रही हूँ, कहाँ जाऊँ मैं? जहाँ दिले जाओ, जहाँ दिले बैठ देना, तो इधर देखो कार्टून देखने देखो। है एक नई चीज आ गई है अब, ये कब तक चलेगा? ये चलेगा अब महीना एक चलेगा। ओए होए महीना, अल्लाह। चलो अभी मैंने बच्चों को शावर भी देना है, तो मैं पाँच दिन तो मैं होता नहीं हूँ, 2 दिन ही होता हूँ मैं, तो वो देख लिया। अच्छा जी। ये भी वैसे सही है, तो फिर तो गुड है। हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, हमने नहीं किया, मैं इस लड़के को जो है ना बहुत खाना आया हुआ था पिज्ज़ा, वो भी इसका। ऐसा क्यों हुआ भाई, मैं क्यों ना खाऊं? खाना मुझे है। मेरा इतना दिल नहीं था, मैं से ज्यादा खाया हूं। चलो ज्यादा खाए हो मेरे पिता से। झूठा लड़का, कोलो इसको खुल नहीं रहा। ये कैसी चोरी लाए, ये देख खुल गई। ये लो जी, ऊपर से मंगा भी पाइनएप्पल वाला लेते हैं हमेशा है, ताकि मैं ना खा सकूं। पाइनएप्पल मुझे नहीं पसंद भाई, पाइनएप्पल पिज्जे में वैसे भी नहीं पसंद, लेकिन ऊपर से इनको बड़े पसंद है, ये हमेशा यही वाला ऑर्डर कर लेते हैं। जब हाफ हाफ में करता हूँ ना, तो वो होता नहीं है, वो मिक्स ही होते हैं उसमें, इसलिए फिर मैं पूरा यही कर देता हूँ।
वो भी पता नहीं क्या करते हैं। चलो भाई ये देखें जी, मैंने इनको शावर दे दिया है, खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मैंने कहा चलो और जल्दी से तुम लोगों को मैं शावर दूँ, और बस अब इन्होंने ले लिया है, अब ये सो जाएंगे। दोनों लगे हुए हैं फोन पे और इसको मस्ती चली। जैवी चोट लगेगी बेटा, उसको सर लग जाएगा आपस में। बस 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 ये मस्तियाँ ऐसे करते हैं और फिर ऐसे बढ़ जाती है इनकी मस्तियाँ। चलो बस अब फोन शोन बंद करो और सोने वाली करो, फिर सुबह में उठते नहीं हो। चेक करो ना मतलब कि पूरे जहान में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ओह गॉड, ये रोज़ाना रात को मेरी ड्यूटी होती है हर चीज़ संभाल कर, उसके बाद सोती हूँ। तो ये देखिए जी बच्चे सो गए। इतनी देर बाद जो है वो बच्चे सोए हैं, अभी मतलब 2 घंटे बाद जाके सोए हैं, पता नहीं सुबह स्कूल के लिए कैसे उठते। तो बस मैं भी अब सोने लगी हूँ जी। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दे लाइक शेयर कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना कि कैसा बना था। तो मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।